दोस्तों आपको शायद ये जानकर हैरानी होगी कि 2023 में जब दुनिया इतना ज्यादा अपडेट हो चुका है कि आपको GTA जैसे बड़े गेम्स भी किसी न किसी प्लेटफॉर्म के ऊपर फ्री में खेलने को मिलता है, इस टाइम पे सिर्फ स्पाइडरमैन के गेम्स ही एक लौते ऐसे गेम्स है जिसे आप किसी भी इमुलेटर या फिर किसी भी ऐप के ऊपर फ्री में खेल नहीं सकते हो। गेम्स को खेलने के लिए आपको पैसा देना ही पड़ता है। अभी के टाइम पे भी PSP एक ऐसा इमुलेटर है जिस इमुलेटर के ऊपर आप बड़े ही आराम से स्पाइडरमैन के बहुत सारे गेम्स फ्री में अपने मोबाइल या फिर आपके पास जैसे भी उसमें डाउनलोड करके खेल सकते हो। आज के इस वीडियो के अंदर मैं आपको स्पाइडरमैन के 3 ऐसे गेम्स बताने वाला हूँ जो आपको PSP इमुलेटर के ऊपर फ्री में देखने को मिलता है, जो आपके एंड्रॉइड डिवाइस के लिए बेस्ट गेम होने वाले हैं। सच बात बताओ, इस लिस्ट में जो नंबर 3 पे और जो नंबर 1 पे गेम आता है ना, वो पर्सनली मेरे फेवरेट गेम्स है एंड इन गेम्स को मैंने खेला है। ये PSP के वन ऑफ द बेस्ट गेम्स में से एक होने वाले हैं। चलो गाइस, वीडियो के अंदर हम फटाफट जान लेते हैं कि वो गेम्स कौन से होने वाले हैं। तो आज के मेरे लिस्ट में जो नंबर 3 पे गेम आता है ना, उस गेम का नाम है स्पाइडरमैन 3। PSP इमुलेटर के अंदर ये गेम आपको कुछ इस तरीके से देखने को मिल जाएगा एंड ये बेसिकली एक बहुत ही ज्यादा पुराना गेम है। आप अगर पहली बार किसी स्पाइडरमैन गेम को खेलने जा रहे हो ना, तो ये गेम आपके लिए बेस्ट होगा। अभी देखो, दूसरे किसी भी फैन मेड गेम के मुकाबले ये गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है। मैं ग्राफिक्स वगैरह की बात नहीं कर रहा हूँ, ग्राफिक्स थोड़ा सा आपको लो देखने को मिलता है, गेम बहुत ही मस्त होने वाला है। गेम के अंदर आपको अलग अलग मिशंस भी देखने को मिलता है जिसे आपको कंप्लीट करना पड़ता है। आप अगर पहली बार किसी स्पाइडरमैन गेम को ट्राई करने जा रहे हो ना, खेल के देखना, गेम बहुत ही अच्छा लगने वाला है। चलो गाइस, अभी हम बात कर लेते हैं इस लिस्ट के सेकंड गेम के बारे में। आज के मेरे लिस्ट में जो सेकंड नंबर पे गेम आता है ना, उसका नाम है द स्पाइडरमैन वेब एंड शैडोज। देखो, ग्राफिक्स देख के आपको उतना शायद खास नहीं लग रहा होगा, बट गेम बहुत ही कमाल का है। देखो मैं ऐसा क्यों बोल रहा हूँ, किसी भी एंड्रॉइड पे अवेलेबल, प्ले स्टोर के ऊपर अवेलेबल किसी भी स्पाइडरमैन गेम के मुकाबले ये गेम बहुत ही अच्छा होने वाला है। दिखने में कुछ इस तरीके से है एंड गेम के अंदर ना आपको ब्लैक स्पाइडर का जो सूट है ना, वो भी देखने को मिलता है। इसको यूज करके आप गेम को खेल भी सकते हो और गेम का जो साइज है वो भी उतना ज्यादा नहीं है, साइज है ओनली 700 MB। ये PSP के ऊपर अवेलेबल है, जाके आप अभी डाउनलोड करके खेल सकते हो। बाकी अभी बात कर लेते हैं आज के मेरे लिस्ट पे जो नंबर 1 पे गेम आता है ना, उसके बारे में। इस गेम का नाम है द अमेजिंग स्पाइडरमैन। देखो, ये वो पुराना वाला अमेजिंग स्पाइडरमैन नहीं है, ये एक न्यू अपडेटेड वर्जन है एंड ये मेरा वन ऑफ द फेवरेट गेम में से एक है। इसको आप PSP से जाके डाउनलोड कर सकते हो। गेम के अंदर आपको कमाल के ग्राफिक्स देखने को मिलता है, साथ ही साथ आपको नॉर्मल एंड ब्लैक स्पाइडर दोनों का ही सूट देखने को मिलता है। गेम के अंदर आपको एक के बाद एक मिशन देखने को मिल ही जाता है जिसे आपको कंप्लीट करना होता है। दूसरे किसी भी गेम के कंपेयर में इसके अंदर जो आपको सिटी देखने को मिलता है वो बहुत ही कमाल का होता है। मैं तो सिर्फ इतना ही बोलूंगा, अगर आप एक अच्छे स्पाइडरमैन गेम की तलाश में हो, इस गेम को एक बार जरूर से ट्राई करके देखना। गेम का इंटरफेस कुछ इस तरीके से है, ये गेम आपको PSP के ऊपर मिल जाएगा, चाहे तो गेम को अभी जाके खेल सकते हो। बाकी दोस्तों यार, हाँ मुझे पता है आज का वीडियो थोड़ा सा छोटा है, बट आज के वीडियो के अंदर बस इतना ही इन्फॉर्मेशन थी। वीडियो पसंद आया तो वीडियो को एक लाइक कर देना, अगर आप चैनल पे न्यू हो तो जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लो और कोई भी सवाल है तो मुझसे कमेंट बॉक्स में आप पूछ सकते हो। दोस्तों यार, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो के ऊपर, तब तक के लिए।